हेलो नमस्कार, मैं अनिल चक्रवाल, कक्षा 11 में अपने डे 51 में है और चैप्टर संख्या 5 चल रहा है अपना। काफी दिन से कुछ बातें और रह गई, मैक्सिमम पार्ट इसका हमने कर लिया है। दो चार डेफिनेशंस वगैरह छोटी छोटी बातें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें लेते हैं सबसे पहली बात, आज जो कर रहे हैं उसमें दो बातें डिस्कस करेंगे। घर्षण हमने पढ़ लिया था, बात करेंगे लोटनी घर्षण किसे कहते हैं और सर्पी घर्षण किसे कहते हैं। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दोनों में एक वर्ड यूज हो रहा है फ्रिक्शन, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। ये दो तीन डेरिवेशन के पार्ट पढ़े थे पिछली तीन क्लासेस में, उससे पहले डे 47-46 के समथिंग की क्लास में हमने ये फ्रिक्शन वाला टॉपिक हमने पूरा डिटेल से पढ़ा था कि घर्षण क्या होता है। दोबारा फिर हम बात कर लेते हैं क्या होता है घर्षण। जब भी कोई वस्तु किसी सतह पर गतिशील होती है तो संपर्क सतहों के बीच में, संपर्क सतह जहां कोई वस्तु दूसरी सतह को टच कर रही है उनके बीच में, गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है, उसको कहते हैं घर्षण बल। यानी उसी की वजह से गति धीमी पड़ती है और अंत में कोई भी जो वस्तु है वो तेज गति से धीरे होती 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 अंत में स्थिर अवस्था में आ जाती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं घर्षण में, घर्षण के टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो, उनमें एक आता है लोटनी घर्षण, एक आता है सर्पी घर्षण। दोनों के नाम से हमें आधी बातें तो पता चल जाती है। सर्पी का मतलब सांप की तरह कोई वस्तु गति कर रही हो, सांप की तरह का मतलब कैसे है कि अगर किसी सतह पर किसी वस्तु को खिसकाया जाता है, जैसे कोई बक्सा रखे हैं उसको हम खींच रहे हैं, दोनों में थोड़ा अंतर है, खींच रहे हैं, तो वो है सर्पी स्थिति। सर्पी घर्षण का मतलब, वही है, गति के विपरीत लगने वाला बल का संपर्क सतहों के मध्य, जहां टच हो रही है वस्तु किसी सतह से उसके मध्य लगने वाला बल जो गति का विरोध करे उसको घर्षण कहते हैं। तो घर्षण तो वही है, सर्पी का मतलब अलग प्रकार है इसका, कि अगर वस्तु को किसी सतह पर खिसकाया जाता है, जैसे कार्टून है, कोई बड़ा कार्टून बक्सा भरा हुआ है, एलईडी का बक्सा है मान लो, कोई टीवी फ्रिज का बक्सा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको जब दूसरी जगह लेके जाते हैं, कमरे में ले जा रहे हैं, तो हम उसको खिसकाते हैं, उसको धक्का देते हैं, तो धक्का दे रहे हैं तो क्या कर रहा है, फर्श में वो उसको खींचा जा रहा है, वहां उसको कहते हैं खिसकाना। जब खिसकाया जाता है तो आगे की बात वही है, संपर्क सतहों के मध्य गति के विपरीत लगने वाला बल जो है वो सर्पी घर्षण बल कहलाता है। तो इसके लिए एक वर्ड आप ध्यान रख सकते हैं कि खिसकाना, बाकी बात वही है। अगर किसी वस्तु को खिसकाया जाता है किसी सतह पर, इसमें क्या आ गया, इसमें लोटनी गति, लोटनी गति का मतलब जब लुढ़काया जाता है। अब लुढ़काने और खिसकाने में क्या अंतर होता है, जब वस्तु को लुढ़काते हैं तो वस्तु ऐसे रोल करती हुई, इसीलिए इसको रोलिंग कहते हैं, रोल करती हुई आगे बढ़ती है। यानी वस्तु का जो पार्ट सतह को टच हो रहा है वो पार्ट लगातार बदलता रहता है, जैसे यानी इसके लिए आप वर्ड ध्यान रख सकते हैं लुढ़काया जाता है। परिभाषा आप इजी वे में लिख सकते हैं इसकी, कि जब किसी वस्तु को किसी सतह पर लुढ़काया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संपर्क सतहों के मध्य गति के विपरीत घर्षण का जो कार्य करता है उसको लोटनी घर्षण कहते हैं। तो सीधा भी आप बता सकते हैं, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर लुढ़काया जाता है तो लगने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। इसे कह सकते हैं, जब वस्तु को किसी सतह पर खिसकाया जाता है तो लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। अब घर्षण है तो अंडरस्टूड है, संपर्क सतहों के बीच ही कार्य करता है। अब जब इतनी और इसमें क्या अंतर है कि अगर मान लो ये स्थिति है और यहाँ कोई बोल है, उसको हम फर्श पे जा रहे हैं तो वो खिसकती हुई नहीं जाएगी, बोल वो कैसे जाएगी, लुढ़कती हुई जाएगी। तो लुढ़कने का मतलब यही है कि अब जब ये बोल आगे बढ़ेगी तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, वो आगे इसको टच करेगा, ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा और जो यहां था वो वाला पार्ट यहां पहुंच जाए। अब क्या होगा, यहां वाला जो पार्ट है वो आगे कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट टच हो रहा था ये यहां जाएगा। इस तरह से आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, ये इस तरह से गति करती है, इसे कहते हैं लुढ़काना। ठीक है, यहां क्या होता है कि कोई वस्तु इस तरह से है, इस तरह से वस्तु है, ये कोई बक्सा मान लेते हैं, इस पे जब हम बल लगाते हैं, इधर खींच रहे हैं मान लो, इसको खींच रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ ये संपर्क सतह है, ये पूरा का पूरा बक्सा क्या जाएगा, खींचा हुआ आगे जाएगा।
पूरा का पूरा इधर चलेगा, इधर गति होगी इसकी। तो यहां जो घर्षण कार्य करेगा वो क्या करेगा, सर्पे घर्षण। तो किसी सतह पे जब किसी बक्से को खिसकाया जाता है, किसी बॉक्स को खिसकाया जाता है, तो वहां सर्पे घर्षण कार्य करता है। दूसरी बात, जब किसी वस्तु को लुढ़काया जाता है तो वहां जो घर्षण कार्य करता है वो लोडनी घर्षण कार्य करता है। नॉर्मली जो हम देखते किसी बॉल को गिराया गया है तो वो लोडनी गति होती है। अब अगर किसी बक्से को देखो, ये जो घर्षण है ये घर्षण सबसे कम होता है, एक बार ध्यान रखना, कौन सा, लोडनी घर्षण का जो मान होता है, लोडनी घर्षण वो बाकी घर्षण से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए लोडनी की गति सबसे इजी गति होती है। अगर किसी भी गति को आसान करना हो तो क्या करें, उसको किसे बदल दें, उसको लोडनी गति में बदल दें। तो हमें उस पर जोर कम लगाना पड़ेगा, इसका मतलब हमें उस पर बल कम लगाना पड़ेगा। जैसे अगर ये बक्सा है अपने पास, इसको अपने खींचें लेके जाएं तो हमें जोर जाता है। अब इसी बक्से में हम क्या करेंगे, हमने ये काम कर दिया, इसको इसके नीचे लगा दिया टायर, जैसा नॉर्मली केला वगैरह हम देखते हैं तो ऐसी स्थितियां उसके अंदर होती है। तो अब इसमें लगा दिया टायर, अब पहले इसको खिसकाने के लिए चार लोगों की जरूरत थी, अब इसको अकेला आदमी भी इजी वे में लेके जा सकता है, बच्चा भी इसको लेके जा सकता है, खिसका सकता है, क्योंकि अब ये गति कौन सी थी, ये गति थी सर्पी गति, और ये गति कैसी हो गई, ये गति कैसी हो गई, लोडनिंग गति हो गई, इसको कहते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, तो ये अलग प्रकार है, ये अलग प्रकार है, इसीलिए इसमें घर्षण अलग तरीके से लग रहा है, इसमें घर्षण अलग तरीके से लग रहा है। जो आजकल बैग आ गए हैं जो सफर में हम यूज करते हैं, उनमें भी सब में टायर यूज करने लग गए हैं। पहले नॉर्मल यूज करते थे, जिनके नीचे कोई टायर नहीं होता था, घर पे बना लिया या कपड़े का, तो भी यूज कर लेते, उसको भी क्या करते थे, उसको भी खिसका के ले जाते थे रेलवे स्टेशन के फर्श पे, लेकिन उसमें क्या आता था, उसमें जोर ज्यादा आता था। अब जो बैग आते हैं, अब क्या कर दिया, अब जो बैग यूज किए जाते हैं नॉर्मली, उनके यहां लगा दिए टायर, यहां लगा दिया हैंडल जो इसके अंदर रहता है, और अपने उसको खींच के ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, खींच के बाहर निकालते हैं और इजी वे में खिसकाते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, हमें बिल्कुल भी जोर नहीं आता है, बल लगाना पड़ता है, लेकिन इसकी तुलना में बहुत कम हो जाता है वो बल। तो ये दोनों अंतर, यही अंतर है सर्पी घर्षण में और लोडनी घर्षण में। अब बात लिखने की, तो आप इसे ऐसे लिख लें, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर लुढ़काया जाता है तो संपर्क सतहों के मध्य कार्य घर्षण को लोडनी घर्षण कहते हैं। ये गति सबसे आसान गति होती है और इस घर्षण का मान बाकी की तुलना में कम होता है। दूसरी बात आती है सर्पी घर्षण, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाया जाता है तो सतहों के बीच में कार्यरत बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, किसी सतह पर बक्से को खिसकाया जाता है तो सर्पी घर्षण कार्य करते हैं, इस पर किसी बॉल को लुढ़काया जाता है, गाड़ी के टायरों में जो गति होती है वो। अब एक बात और, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है कि दाब का जो मान है वो बढ़ता है इसमें ज्यादा दाब होता है, क्योंकि इस समय जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कौन सा, जो सतह को टच कर रहा है किसी वस्तु का, क्षेत्रफल जो सतह को टच कर रहा है क्षेत्रफल, उसका मान कम होता है। इस समय तो ये पूरा बक्सा ही क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो क्षेत्रफल इतना हो गया। अब इसके नीचे लगा दिए टायर, तो ये भाग तो टच कर ही नहीं रहा, और सब भाग टायर भी पूरा टच नहीं कर रहा, टायर तो इतना है, तो ये वाला पार्ट तो टच कर ही नहीं रहा, इतना पार्ट ही टच कर रहा है, तो क्षेत्रफल का मान क्या हो गया, बहुत कम हो गया। और क्षेत्रफल क्या कम हो गया, तो दाब जो है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ध्यान रखें, सेकंड बुक में हम करेंगे इस बात को दोबारा, बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसका। दाब जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो पी का मान क्या हो जाएगा, इसका मान कम होगा तो पी का मान बढ़ जाएगा, तो उस सतह पर क्या होगा, दाब ज्यादा लगेगा। इसीलिए टायरों में हवा तो बराबर रहती है, लेकिन जो पार्ट टच करना है वहां से दबाव अधिकतर होता है, वहां से वो दबाव दिखता है, जो वस्तु दब सकती है वो, जो बिल्कुल ठोस मान लो लोहे की बनी हुई है, कोई कोई बोल है लोहे की है, तो वो तो नहीं दबेगी,
बाकी अगर सामान्य स्थिति में कोई वस्तु ऐसी है जिसमें हवा भरी हुई है, कोई पदार्थ थोड़ा लचीला है, कोई हल्का प्लास्टिक है, ऐसी चीजें हैं, तो वो यहाँ थोड़ी हमें दबी हुई दिखाई देती है। वो किसके कारण दिखाई देती है? वो इसके लिए न्यूनतम क्षेत्रफल यूज होता है, इसलिए उस वस्तु पर लगने वाला दाब अधिकतम हो जाता है, उस दाब के कारण वो चीजें दब जाती है। एग्जाम्पल आप इनमें कोई भी कैसा भी किसी भी प्रकार से कितने भी लिख सकते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।